तो फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर क्रिस्पी बर्गर रेडी हो चुका है। क्रिस्पी इसलिए क्योंकि इसमें हमने डाले हैं चिप्स, और ये देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल पनीर बर्गर। तो सबसे पहले हम पैन गरम कर लेते हैं, उसमें हम डालेंगे ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने प्याज को पूरा ब्राउन होने नहीं दिया और उसी के साथ हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। मैंने आधा टमाटर लिया है और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, और काली मिर्च। इन सबको मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं मेन इंग्रेडिएंट यानी कि पनीर और धनिया और हरी मिर्ची। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये मसाला कितना अच्छे से पक के तैयार हो चुका है और पनीर के साथ पूरा मिक्सअप हो चुका है। अब हम फ्लेम क्लोज बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे बन, वो हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है पनीर की। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मायनीज। और उसको स्प्रेड कर लेते हैं। और इस तरफ हम मिलाएंगे हमारी पनीर की भुर्जी, पर उससे पहले हम दूसरे वाले को भी लगा लेते हैं, दूसरे में भी मायनीज। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे चिप्स। मैंने लेयर्स लिया है थोड़े क्रंचीनेस के लिए। और इसको क्लोज कर देंगे। इनको एक बार तवे में हम सेक लेते हैं। तवा हमने गरम कर लिया है, इसमें हम बंस रख लेते हैं अपने, और आप चाहें तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा कवर कर लें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से गरम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।